कहते हैं द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज बाय लर्निंग थ्रू मिस्टेक्स, बट इस समय जब जेई 2023 सिर्फ और सिर्फ 3 महीने दूर है, क्या तुम कोई भी मिस्टेक्स अफोर्ड कर सकते हो? नहीं यार। तो इसी के लिए आज मैं बात करने वाला हूं कि जेई मेंस 2020 में जब मैंने अपना जेई का एग्जाम दिया था तो केमिस्ट्री के अंदर मेरा स्कोर डेफिनेटली काफी कम रहा था, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, बट जेई एडवांस्ड के अंदर वो गलतियों को मैंने आइडेंटिफाई करा और उन पे काम करा, तो मैं जेई एडवांस के अंदर एक काफी रिस्पेक्टेबल स्कोर केमिस्ट्री में लेकर आ पाया था। और वो क्या गलतियां थी और क्या चीजें तुम्हें करनी है, अगर मैं पहले से कर लेता तो केमिस्ट्री के अंदर भी 99% आराम से लाई जा सकती थी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री में तुम रिमेनिंग 3 मंथ्स में 70-80 मार्क्स तक कैसे स्कोर कर सकते हो, और अगर किसी की केमिस्ट्री वीक भी है तो 60 मार्क्स तो तुम डेफिनेटली ले आओगे। इजिकल टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार एक टॉपर से अगर तुम पूछोगे कि केमिस्ट्री में स्कोर करने के लिए क्या करना होता है तो वो तुम्हें ये चीजें तो बता देगा कि क्या करना है, बट क्या नहीं करना है वो एक ऐसा ही बंदा बता पाएगा जिसने केमिस्ट्री के अंदर खराब परफॉर्म करा हो। तो यार सबसे पहली बात जो मेरी एक गलती थी और तुम्हें भी नहीं करनी है अगर तुम ये अभी कर रहे हो, तो यार एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़ना। केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये कि अगर तुम ऐसे कर रहे हो कि कोई भी चैप्टर्स को, क्योंकि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी या कोई भी बुक पढ़ने में मेहनत लगती है, याद करना पड़ता है, थ्योरी रीड करनी पड़ती है, तो तुम आलस में आके सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, वन शॉट वीडियोस देख रहे हो, डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हो थ्योरी को, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो तुम्हें दोनों चीजें साथ में करनी है। नंबर वन, तुम्हें ऐसे शॉर्ट लेक्चर्स नहीं देखने हैं टाइम बचाने के लिए या फिर लेजीनेस में या फिर मेहनत ना करते हुए एफर्ट ना देते हो। और दूसरा, तुम्हें एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है। दूसरी चीज जो हमें करनी है यार, वो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एक बार अगर हम पढ़ लेते हैं तो कोई भी किताब जो तुम लगा रहे हो या फिर कोई मॉड्यूल्स अगर तुम किसी कोचिंग के कर रहे हो, देन उसके एग्जांपल्स तुम्हें सॉल्व करने हैं। और अब की बार सिर्फ हमें इजी वाले एग्जांपल्स नहीं सॉल्व करने हैं, थोड़े से जो डिफिकल्ट एग्जांपल्स होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जांपल होते हैं, उनको सॉल्व करना है। अगर वो नहीं है तो तुम बैक एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, या फिर डीपीपीज जो तुम्हें मिलती हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लगाने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें सिर्फ 2020, 21 और 22 के लगाने हैं, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें एक स्टेप आगे जाना है तो तुम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली लगाना। फिजिक्स और मैथ्स के अंदर मैं हर स्टूडेंट के लिए नहीं कहता, बट इसमें हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थोड़े से आते हैं मेंस के अंदर, उनको सॉल्व कर पाओगे तो जो तुम्हारा स्कोर 60-70 पे अटका है वो 80+ पे जाएगा, 85+ पे जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, 3 महीने के अंदर 85+ मार्क्स लाना केमिस्ट्री के अंदर इज नॉट अ बिग डील। अब यार जरा बात करते हैं इजी किल टॉपिक्स की, उन स्टूडेंट्स के लिए यार जिन्होंने अभी तक तैयारी ढंग से स्टार्ट भी नहीं करी है, बट उनको लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स करने हैं जिनके अंदर टाइम कम दे पाए, मेहनत कम जाए और जो आउटपुट है वो ज्यादा हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है पेपर में क्वेश्चन आने की वो हाई हो और वेटेज भी हाई हो। तो इन चैप्टर्स की हम बात करेंगे लिस्ट की। देखो हमारी प्रेपरेशन तो हो जाती है, वो तो अच्छी चीज है, बट जब तक मजा नहीं आता है प्रेपरेशन में, जब तक हम खुद को टेस्ट ना करें, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, दैट इज अन अकेडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट 2023, यानी कि अनसैट, जो कि होने वाला है 8th और 15th of October को, दोनों मोड्स ऑनलाइन और ऑफलाइन में। यार ये एग्जाम बहुत ही लाइफ चेंजिंग तुम्हारे लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हें 100% तक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड इनफैक्ट अलग अलग स्टूडेंट्स को उनकी मार्क्स और रैंक के हिसाब से अलग अलग स्कॉलरशिप मिलेंगी। अगर मैं कहूं कि इस टेस्ट को देने से तुम यार यूरोस्पेस सेंटर भी जा सकते हो फॉर कंप्लीटली फ्री, तुम्हारी पूरी की पूरी ट्रिप स्पॉन्सर्ड होगी बाय अनअकैडमी, तो कैसा लगेगा सुनने में। एंड नॉट जस्ट दिस गाइज, काफी सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स में तुमने सुना ही होगा रैंकर्स ग्रुप जो बनता है, रैंकर्स बैच, जिसमें से हर साल तगड़ी तगड़ी रैंक्स आती हैं, अंडर 100, अंडर 200, ऐसी रैंक्स आती हैं। यार जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे उनकी रैंक के हिसाब से उनके बैचेस बनेंगे, और उन बैचेस में यार तुम्हारी बहुत ही ज्यादा क्यूरेटेड तैयारी होगी, तुम पे पर्सनल अटेंशन दी जाएगी बाय द मेंटर्स, जो कि वहां पर तुम्हारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पर बहुत काम करेंगे, तुम्हारे मार्क्स को इंप्रूव करने पर बहुत काम करेंगे। एंड गाइज दिस टेस्ट is only for 99 rupees, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है यार। ऑफलाइन टेस्ट मेरे को नहीं लगता इससे सस्ता कोई होता होगा, बिकॉज तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम एनरोल करने वाले हो टू टेस्ट योरसेल्फ कि तुम नेशन के हजारों लाखों बच्चों के साथ कहां स्टैंड करते हो। इसके लिए तुम अभी रजिस्टर कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू इट राइट नाउ। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम, नॉट बिकॉज ये अनअकैडमी का एग्जाम है, तुम एडमिशन लेना है नहीं लेना है, सब्सक्रिप्शन लेनी है नहीं लेनी है, वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट इज तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां स्टैंड करते हो। जो पेपर
तुम देने वाले हो, लाखों बच्चे देंगे दो साल बाद, ठीक है, एक साल बाद या फिर जनवरी में, ठीक है, तो वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि प्रेशर क्या होता है, परफॉर्म कैसे करना होता है, लिमिटेड टाइम में हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन, ये सारी चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा। तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो 9th से 12th क्लास के और नीट और IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, देन डेफिनेटली गिव अनसेट एग्जाम। सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट। अब जरा बात कर लेते हैं अपने इजिकल टॉपिक्स की केमिस्ट्री के अंदर, तो ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूंगा, स्टार्ट कर लेते हैं यार मोल कंसेप्ट एंड रिडॉक्स रिएक्शन से। तो अगर हम देखा जाए तो 2022 के जो मैंने पेपर्स देखे उनके हिसाब से यार एवरेज 2 क्वेश्चन इन चैप्टर्स से डेफिनेटली आते हैं, और ये शायद सबसे ईजिएस्ट चैप्टर्स हैं तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री के, और ये हर स्टूडेंट को आता ही है। तो इस पे अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों तीनों साल के पिछले लगा लेते हो तो तुम्हारे 8 नंबर तो वैसे ही बन जाएंगे। उसके बाद है यार केमिकल काइनेटिक्स, जो कि 12th क्लास का टॉपिक होता है, मैंने पहले लिख दिया बट अब तो तुम्हें पता ही होगा, अब तक तो तुमने पढ़ ही लिया होगा। नहीं भी पढ़ा है तो यार केमिकल काइनेटिक्स के बहुत ही प्यारे शॉर्ट नोट्स मैंने अपने चैनल पर अवेलेबल कर रखे हैं, आई लिंक में तुम्हें, आई बटन में उनका लिंक, आई बटन इधर इधर कहीं पे होगा, ठीक है, वहां पर तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना, वहां से तुम उन शॉर्ट नोट्स को देख सकते हो। बट मैं तुम्हें अभी भी कहूंगा NCERT पढ़ लेना डेफिनेटली। सॉल्यूशंस जो हमारा चैप्टर है बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, ठीक है, इसके तो तुम लेक्चर देख सकते हो नेट से अच्छे अच्छे, बट NCERT जरूर रीड करनी है क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद GOC, उसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली GOC की बात कर रहा हूँ जिसमें तुम्हारा IUPAC नेमिंग और कायरालिटी और ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। कायरालिटी भी चलो स्टीरियो केमिस्ट्री में चली गई, तो बहुत ही बेसिक चीजें GOC के अंदर पूछी जाएंगी, वो वाला पार्ट कह रहा हूं, तो उसका एक क्वेश्चन आता ही है। अब मैंने इसके अंदर यार पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं इंक्लूड करी बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स को वो डिफिकल्ट लग सकती है, या फिर काफी पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक ऑल्सो। तो तुम इनऑर्गेनिक में यार पीरियोडिक टेबल डेफिनेटली कर लेना, एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही प्यारा होता है, ठीक है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग जो है उसमें से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मुझे पता है केमिकल बॉन्डिंग काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती होगी क्योंकि वो एक बड़ा चैप्टर है, बट अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे ना यार, वो एक स्टोरी की तरह चैप्टर है, इतना प्यारा सीधा सीधा चैप्टर है, अगर तुम समझोगे सब कुछ समझ आता है यार। अगर तुम थ्योरी खुद से पढ़ने बैठोगे, वो ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर के, मतलब एटम के स्ट्रक्चर को और मॉलिक्यूल्स को, तो फिर तुम्हें पता चलेगा ये काफी ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो स्ट्रक्चर से बात हुई तो अब बात कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जिसके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यार पिछले साल हर पेपर में, तो 8 नंबर ये भी तुम्हारे बन जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो फिजिक्स का है वो भी कंपेंसेट हो जाएगा, तो दिस इज नॉट जस्ट 8 मार्क्स, दिस इज 8 to 12 to 16 मार्क्स इन योर होल पेपर, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसको ढंग से पढ़ लेना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो पता चलेगा कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसके बाद आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। नहीं, डरो मत, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा बहुत आसान होता है, ठीक है। इसके अंदर 2-3 ही फॉर्मूले होते हैं और थोड़ा सा हमें डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, एक क्वेश्चन आता है इसका भी, इसको भी कर लेना। इसके बाद सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, और सॉलिड स्टेट जो है हमारा पूरा का पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, फॉर्मूले इसके अंदर ज़्यादा है ही नहीं, बहुत ही सिंपल आता है। तुम्हें स्ट्रक्चर इमेजिन करना आना चाहिए, जिस कमरे में बैठे हो उसको यार अपना लैटिस ले लो और उसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स पर लगा कर देख लो एटम्स को, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद यार हम आ जाते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे, जो कि बहुत ही सीधा सीधा चैप्टर है, मतलब बेसिक सी चीजें तुमसे पूछ ली जाती है, कई बार तो बहुत ही सिंपल चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इस चैप्टर को तो छोड़ के जाने का मतलब ही नहीं बनता है। सिर्फ एक बार NCERT पढ़नी है और PYQs करने हैं और कुछ करना ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर, वरना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद यार थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स मुझे पता है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, किसी को अच्छा लगता है किसी को डिफिकल्ट लगता है, तो थर्मोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसके अंदर तुम्हें बस लैटिस एनर्जी और ये सारी चीज़ें निकालनी होती है, एंट्रोपी, ठीक है, तो ये सब तो बहुत आसान होता है, ठीक है, एंट्रोपी भी नहीं निकालनी होती है, कुछ निकालना तो होता है, एंथैल्पी, हाँ भूल गया यार मैं अब केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ूंगा, एंथैल्पी निकालनी होती है, बहुत इजी होता है, ठीक है, तो ये कर लेना। उसके बाद यार DF ब्लॉक लास्ट में, देखो इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर तो कम से कम डालूंगा ही ना, जो मुझे भी पसंद था पर्सनली, तो DF ब्लॉक काफी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई ज्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह तो होते ही नहीं इनमें, लॉजिक होता है थोड़ा थोड़ा, उनको देख लेना, है ना, थोड़ी सी एक्सेप्शन होती है कि कौन सा भाई कौन कितने वैलेंस शेल में, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है वो होता है, ये सारी चीजें देख लोगे तुम, स्मार्ट बच्चों मुझे पता है, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो यार जितने क्वेश्चन मैंने बताए तुम्हें 15-16 क्वेश्चन इसके अंदर ही बन जाएंगे, 15-16 का मतलब है 64 मार्क्स,
64 मार्क्स तुम्हारे पूरे सिक्योर्ड है। इसके ऊपर अगर कोई भी चैप्टर्स तुम कर लेते हो, है ना, जैसे कि कोई हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट शायद इनऑर्गेनिक में हो या फिर ऑर्गेनिक में हो, कुछ तो करके ही जाओगे ना, अल्कोहल्स पढ़ोगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे, उसके बाद तुम्हारा एल्काइल, कुछ तो पढ़ोगे यार, है ना, तो दो चार क्वेश्चन वहां से भी बनाने वाले हो, तो 70 प्लस मार्क्स तो तुम्हारे डेफिनेटली आ रहे हैं। तो बस यही जिंदगी चल रही है। दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हेल्प हो रही है इन वीडियोज से, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक तो कर दो, लाइक एम केट कितना दूं, कितना पिछला वाला तो तुमने पूरा नहीं करा, बट मैं वीडियो डाल रहा हूँ। एनीवेज लाइक एम कर देना, जितना भी तुम्हें अच्छा लगता है उतने लाइक करवा देना, कमेंट जरूर करके जाना कि भाई तीनों वीडियो आ गई हैं, अब तो कमेंट कर दो, मैं फोड़ूंगा, नहीं फोड़ा ना फिर भाई फिर नहीं होना, ठीक है। चलो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, बाय बाय, लव यू ऑल।